हमजा को दूं, ले भाई ये मटेरियल इनको प्रोवाइड कर दो। चीजें लेते हुए आ गए, समझिया नहीं लग रही। दोस्तों कबूतर जो है हमारा, उसके अंडे की कैंडलिंग करके चेक कर रहे हैं हम, हैं नस वगैरह कोई नहीं। लो भाई दोस्तों, तो आ गए आज हमारी जो ये है, ये पता ही क्या है, ये है दोस्तों सवैया। नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों ये सवैया नहीं है, ये जो है हमारा लोटिनो का नेस्टिंग मटेरियल है, जो कि हमने इसको देना था क्योंकि उसकी मादा ने अंदर जाना, हांडी में बैठना काफ़ी शुरू कर दिया है और हमें जो है ये पूरा शक हो रहा है कि ये अंडे देने वाली है। तो इस वजह से दोस्तों हम इसका नेस्टिंग मटेरियल कल ही ले आए थे रात को। खैर तो मैं कुर्ता सलवार में दिख रहा हूँ आप लोगों को तैयार। तो दोस्तों कल मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि मुझे कहीं जाना था और मैं काफ़ी लेट हो रहा था। तो दोस्तों वजह ये थी कि हमारे घर में हमारी जो भाभी हैं उनकी वालदा की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ जाना था, जोहर में नमाज़ें जाना थी तो लेट हो रहे थे काफ़ी, तो वहाँ जाना था। तो उस वजह से हमने मैंने वीडियो जल्दी जल्दी बना के और जल्दी जल्दी मैं निकला हूँ और आज सुबह मैं तो उधर जाऊँगा, तो इस वजह से तैयार वगैरह हूँ। खैर तो उनके लिए दिया गया दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। खैर दोस्तों हमजा भी आ गया है और हमजा को दूँ, ले भाई ये मटेरियल इनको प्रोवाइड कर दो। सुबह से देख रहा हूँ दोनों के दोनों ना अंदर बैठे हुए थे, अब जाके दोस्तों बाहर आएंगे। देखें वो बैठे हुए हमारे लोटिनो और एक वो पीछे चला गया या गई, कुछ समझ नहीं आता यार, इनका समझ नहीं आता कोई, जैसे कौन नर है कौन मादा, सेम एक जैसी। भाई मैं अब कहीं नहीं जा रहा, मैं थक गया हूँ, सुबह से इन्हीं कामों में लगा हूँ, मैं मंगवा लेता हूँ एक मिनट, कैंची भी मैं लाऊँ, ये भी मैं लाऊँ, सारे काम मैं ही कर लूँ। निशान भाई यार कैंची देना, दे दें लाओ दो। लो भाई कैंची आ गई, ये लो भाई चीज़ें लेते हुए आ गए, समझिया नहीं लग रही। छोटी छोटी दोस्तों एक और चीज़, कल हम जब गए थे अपने ये इसका नेस्टिंग मटेरियल लेने, तो शॉप वाले से मैंने पूछा कि हमारे जो कॉकटेल हैं क्या इनको कुछ नेस्टिंग मटेरियल हमने देना चाहिए, तो उसने बताया कि इनको भूसा रखते हैं, नहीं बुरादा बोला था, बुरादा हो गया वो दे दें या फिर भूसा भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लकड़ी का बुरादा लेकर आऊँगा मैं और वो रख दूँगा ताकि अब जो अंडे हैं ना वो ख़राब ना हो। तो पहली गलती तो हमसे हो गई, अब नहीं करेंगे हम ये गलती। भाई हमजा ने रख दिया इतने में, जल्दी जल्दी बड़ी जल्दी होती है भाई रखने की। तो दोस्तों वहाँ नेस्टिंग मटेरियल लग दिया है, वो देखें सामने रखा हुआ है, अब देखते हैं कि ये दोनों ले जाते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं जो हूँ वो जा रहा हूँ यार, अभी तो ये नेस्टिंग मटेरियल नहीं उठाएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। तो मैंने आपको बताया मैं स्वयं में जा रहा हूँ, वहाँ से आके मैं फिर अपने पूरे सेटअप को भाई देखते हैं। ले भाई दोस्तों तो मैं आ गया भाई और शाम हो गई है, तकरीबन 5:15 हो रहे हैं। हमजा ने सबको खोला हुआ है, वो खुद बैठे हैं मोबाइल चला रहा मजे से। हमजा बैठे हैं, उन्होंने लेके गए वो अपना नेस्टिंग मटेरियल, नहीं लेके गए। दोस्तों अभी तक लोटिनो का हमारा जितना नेस्टिंग मटेरियल है वहीं पड़ा हुआ है, वो देखें अभी ये खाना खा रहा है वो पड़ा हुआ, मैं जूम कर लेता हूँ नहीं तो खाना छोड़ देगा। ये देखें सारा नेस्टिंग मटेरियल वो आगे पड़ा हुआ है, वो कोने पे वो पड़ा हुआ और ये यहाँ खाना खा रहा है। अभी दोस्तों एक बात मैं और बताना भूल गया था कि कल जो है हमारी ये जो है क्या नाम है तीतरनी, इन्होंने एक और अंडा दिया था जो कि हमजा ने ला के दिया था शाम के अंदर मगरिब के वक्त। तो उस अंडे को हमने अभी सेव करके रख दिया है, जो हमारी गलवा माती है उसके अंडों के साथ ही सारे अंडे एक जगह कर रहे हैं जमा, तो इसका अंडा वो सेव करके रख दिया है। तो अभी इसको हमने हरगिज़ नहीं देना अंडा, ये वो भी खा जाएंगे, तो खाने से बेहतर है कि वो अभी सेव करते रहें हम अंडे, और जब सारे अंडे जमा हो जाएंगे ना फिर इसको बिठाएंगे और जो ये नर है ना इसका, इसको अलहदा कर देंगे, जो लड़ता है हमसे। क्या मसले हैं इधर जा, चले जा, धक्का तो मत दो, चलो जाओ। ये भी यार डरते बहुत हैं उसको, ये देखो ये लड़ रही है, ये देख ये देख ये देख ये देखो, सारों को उससे लगी रहेगी कुछ ना कुछ। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा डरते हैं बच्चे, और इनसे लड़ने के चक्कर में ना सारे रहते हैं, छोटे हैं ना अभी इसलिए सारे इन पे हमला करते रहते हैं। हमजा 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 क्या हो गया इसको, इतनी सी तो है, गुस्सा देख इसका। नहीं वो सारे असल में फर्स्ट टाइम देखा ना, बार बार इतना खुले नहीं है साथ, जब ही मार रहे हैं। चलो तुम दोनों वहाँ जाओ, चलो यार इनको ना वो मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मतलब इनको थोड़ा इधर खोल दो खुले में, आराम से घूमते रहो दोनों यहाँ पे ही। वो जो है ना बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हमारे सारे के सारे, ये देखें ये वहाँ गया इनको मारने, अब ये मेरे से पिटेगा, ये देखो ये देखो ये देखो, ये वहाँ गया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ,
ना उनको घूमने दे रहे हैं, ना बाहर ना अंदर, मारने पे तुले में दोनों यहाँ बैठे रहो, सही है ना, नहाओ आराम से। बाकी सारे को यहाँ रखते हैं दोस्तों, और इनके पास हम खड़े होते हैं ताकि इनको कोई मारे नहीं है। बहुत ज्यादा मार रहे हैं यार, कसम से सारे मार रहे हैं। चलो बेटा चांदे को खोलो, ये बफा लोग। हाँ चलो बेटा, तुम्हारे टाइम हो गया सारों का, चलो अंदर। आगे खुले रहते हैं उन लोगों का, दिल ही नहीं भरता है भाई। अरे ये व्हाइट वाला कहाँ घुसा हुआ है, हम ना व्हाइट वाले को निकाल ले। नहीं 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 नहीं, ये नहीं जाएंगी, व्हाइट वाले को निकाल लो, उसकी ऐसे नहीं जा रही है वो। ये भाई साहब अंदर घुस के बैठे हैं ना, तो भी ऊपर डालो डायरेक्ट। वो कपड़ों साफ होने की ऐसे मैं किसी को भी हाथ नहीं डालूंगा अभी, ना मुर्गे को ना मुर्गी को। व्हाइट है दोस्तों, इतनी जल्दी गंदा होता है। ये देखें, अभी भी खाना खा रहा था ना, ये गिरा हुआ तो वहाँ पे खाने के चक्कर में सारे कपड़े की हालत खराब हो जाती है, इस वजह से मैं व्हाइट में कोई काम नहीं करता। ये मैं उतार देता पर जाना भी मेरी, आप लोगों को पता है, जाना जरूरी था। चलो बाद में लड़ लेना। ये देखें, WWF हो रही है हमारे हीरा बच्चे और मुर्गी के दरमियान। चलो आप भी अंदर, हमदा इसको भी ले लो इधर से। आओ यार, इसको मैं चुटकियों पे लाना चाहता हूँ पर आता नहीं है दोस्तों। ये हीरा जो है हमारा, चुटकियों पे आ जाना बहुत अच्छा और ज़बरदस्त। अब ये खुलेगी दोस्तों हमारी गंजी मुर्गी। आओ ये, इसका कुड़कपना ख़त्म नहीं हुआ। काटती है, आया और आ जाओ भाई। हीरा के साथ हमारी अभी तक सिर्फ ये दो मादियाँ सेट हुई हैं, एक जो हमारी गलवा मोटी है और एक ये है। इसका कुड़कपना ख़त्म हो तो ये जल्दी ये भी अंडे वापसी दे, फिर हम वापसी अंडे पे बैठाएं। और इस मरतबा नीचे नहीं बैठाएंगे क्योंकि नीचे दोस्तों हमारे यहाँ लाजमी चोटियाँ आ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता। पत्ती में तो खा रहे हैं, वैसे नहीं खाते है। ये पूरा ही डाल रहा हूँ, और तो कोई नहीं रहता ना। अब तो हमारे कंधारी भी इनके साथ बीच में कहीं ना कहीं घुस के खाना स्टार्ट कर ही देते हैं दोस्तों। ये देखें, खाने के वक्त ये कोई मैटर नहीं करता इनके बीच में, ना लड़ते हैं ना कुछ, और खाते रहते हैं। फिर वो सबसे अच्छी मुर्गी लगती है, वजह पता ही है दिशांत भाई, ये अंडे देती है, बस ये अंडे देती है, ये हमारी अच्छी मुर्गी है। और आजकल मुझे उस पर प्यार आ रहा है, काली वाली जो हमारी वो भी। यार इसका समझ नहीं आ रहा ये कब अंडे देगी। ये रही मुर्गी, दिखा दूंगा आपको, ये रही, ये इसके साथ वाली है, ये बचा मैं। ये पहले भी मेरे कल सर पे लगी थी भाई, उठते हुए इसी जगह से, और तकरीबन मेरे उधर इतना बड़ा खुरंड आया हुआ था लाल कलर का, मुझे पता ही नहीं है मेरे इतनी शदीद किस्म की लगी। इसको पकड़ना है, ये इतने आराम से हाथ में नहीं आएगी। पकड़। हाँ ये फौरन वो करेगी, मुर्गा तो ऐसे ही उठा जाएगा। यार बड़ा शरीफ है हमारा मुर्गा, खोल दूँ ना इन्हें, या वो भी बंद होगी तो उसको उठा लो मैं, जब तक इन्हें खोल रहा, उसको तो तुम उठा लोगे। आ जाओ डब्लू वाले, चलो भाई आ जाओ। आ गए दोस्तों हमारे हीरा। दोस्तों कबूतर जो है हमारा, उसके अंडे की कैंडलिंग करके चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि तकरीबन बफ के अंडे को रखे हुए हमारे को 8 दिन हो गए हैं, तो अभी चेक करते हैं कि अंडे में कुछ है भी या नहीं। निकाल यार, नहीं यार है, नस वगैरह कुछ भी नहीं, मेरे हिसाब से ख़राब हो रहा है। रख दो एक दिन के लिए तो रखो, चेक करने में क्या है, कुछ पता नहीं है। वैसे हमने तो रख दिया था कबूतर के नीचे, हो सकता है निकल भी है, हो सकता है ना भी निकले, क्योंकि चांसेस ज़्यादा ना निकलने के हैं अंडे की कंडीशन जो बता रही है। बाकी अल्लाह बड़ा मालिक है, देखते हैं, नहीं भी निकला तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।